नमस्कार प्राइम श्रोतक में स्वागत है आपका। मैं श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 खबरों पर। सपा यूपी चुनाव में बीएसपी कांग्रेस ने नहीं करेगी गठबंधन, सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली कैंट के पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, न्याय दिलवाने का दिया भरोसा। ओबीसी की पहचान का राज्य को फिर दिया जाएगा अधिकार, केंद्र सरकार मानसून सत्र में ही लाएगी विधेयक। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 20 गांव बाढ़ से गिरे, सेना मोर्चे पर अभी भी खतरे में 2000 जिंदगियां। कांग्रेस ने निकाली दलित स्वाभिमान यात्रा, कहा हम नहीं करते वोट बैंक की राजनीति। ब्रिक्स के मंच से भारत ने दुनिया का किया आगाह, दूर दूर तक होगा अफगानिस्तान के संकट का असर। केंद्रीय विद्यालय में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा खत्म, शिक्षा मंत्री भी दिला पाएंगे सिर्फ 10 एडमिशन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आर नॉट ने बढ़ाई तीसरी लहर की चिंता, 8 राज्यों में आर फैक्टर ज्यादा। असम में सामान्य हो रही स्थिति, असम में मिजोरम से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को किया ड्रोन मुक्त घोषित। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा सशस्त्र बलों के लिए खरीद प्रक्रिया समय की जरूरत के नहीं है अनुरूप। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया FCRA के तहत वर्तमान में 22,691 संगठन पंजीकृत। सुप्रीम कोर्ट का पहला अहम फैसला, सेवानिवृत्त में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टरों में नहीं होगा भेदभाव। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट से पीछे हटेंगे भारत और चीन के सैनिक। चीन ने माना तियानजिन में हुई भारतीय छात्र की हत्या, मामले में एक विदेशी किया गया गिरफ्तार। गोवा सरकार ने किया बड़ा फैसला, गोवा भूमि पुत्र अधिकार ने बिल 2021 से भूमि पत्र शब्द हटाएगी सरकार। आगरा में भारी बारिश से कई जगहों पर अलर्ट, डीएम ने किया चंबल नदी का निरीक्षण, निशान से ऊपर पहुंचा चंबल का पानी। आगरा में यातायात से जुड़ी समस्याएं होंगी कम, मदद के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। औरैया में पानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट, मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में शराब हुई बरामद। आजमगढ़ में मंडल आयुक्त ने किया तहसील का निरीक्षण, लंबित पड़े मामलों को निपटाने का दिया आदेश।
बुलंदशहर में रास्ता निकालने को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने जबरन रास्ता किया था बंद। गोरखपुर में फर्जी आईडी बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में दुकानों से हुई लाखों की चोरी, पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में गला रेत कर अधेड़ की हत्या, हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ₹2022 के लिए बसपा की तैयारी पूरी, पार्टी की ओर से सम्मेलन का किया गया आयोजन। कानपुर देहात में बिजली घर को चोरों ने बनाया निशाना, सेफ अलमारी से चोरों ने किया हाथ साफ, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में विकास दुबे की मूर्ति लगाने का मामला, अधिवक्ता ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। लखनऊ में युवती का वायरल वीडियो का मामला, युवती ने मारपीट में अपनी चोटों का किया जिक्र, चौराहे पर युवती ने की थी युवक की पिटाई। मैनपुरी में करंट लगने से पिता बेटे की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव। विकास दुबे की मूर्ति लगवाने का बयान देने वाले ब्राह्मण महासभा का नेता विरोध, पुलिस कमिश्नर कराएंगे जांच। मुरादाबाद में बोर्ड रिजल्ट में बड़ी हेराफेरी, कई छात्राओं ने कॉलेज पर लगाया आरोप, 120 छात्राओं को दिखाया गया अनुपस्थित। शाजापुर में पूर्व प्रधान के घर पर दबंगों का हमला, एक ग्रामीण की मौत, कई घायल, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर में दिन दहाड़े हुई डॉक्टर की हत्या, डॉक्टर का बेटा भी गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। कानपुर में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, पीड़ित पर दबंगों ने किया चाकू से हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने लिया एक्शन। लखनऊ में बोर्ड रिजल्ट में बड़ी हेराफेरी, मिलेनियम स्कूल पर लगे गंभीर आरोप, बच्चों ने बयां किया अपना दर्द। गाजीपुर में माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस, अवैध निर्माण को कराया जा रहा है ध्वस्त, मुख्तार अंसारी के खिलाफ लिया गया एक्शन। सोनभद्र में मेगा वैक्सीनेशन डे में लोगों ने लिया हिस्सा, 38 सेंटर पर लोगों ने लगवाई वैक्सीन। अलीगढ़ में एएमयू कैंपस गोलियों की आवाज से गूंजा, दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली। बुलंदशहर में महिला से दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी खेत में जबरदस्ती ठेकेदार ने बनाई सड़क, ग्रामीणों को हो रही है काफी परेशानी।
रायबरेली में नाराज परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च, हत्या के आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी। रायबरेली में अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ, दबंगों ने पुलिस के सामने ही लहराए असले। रायबरेली में युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, पुलिस ने युवती का अस्पताल में कराया भर्ती, आगे की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में दबंगों ने वृद्ध पर किया वार, इलाज के दौरान वृद्ध की हुई मौत, गुस्साए परिजनों ने शव रखकर रोड किया जाम। शाहजहांपुर में ध्वनि प्रदूषण करने वालों की अब नहीं खैर, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने कसी कमर। सिद्धार्थनगर में कोविड वैक्सीनेशन को चलाया गया अभियान, महाविद्यालय ने किया निरीक्षण। ताज नगरी आगरा से एक वीडियो हुआ वायरल, असामाजिक तत्व ने चौकी पर मचाया हुड़दंग, चौकी को नशेबाज का बनाया अड्डा। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में पेड़ पर लटकता मिला अज्ञात युवक का शव, ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका, मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। कानपुर देहात में जहर खुरानी का शिकार हुआ युवक, युवक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर युवक से की लूट। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में ट्रक ड्राइवर का नाले में मिला शव, ड्राइवर के पास से ड्राइविंग लाइसेंस बरामद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चमोली में फूलों की घाटी खुलने से पर्यटकों में खुशी, अधिक संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं घाटी। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित, राशि अरोड़ा ने हाई स्कूल में किया टॉप, छात्रा के परिजनों में खुशी का माहौल। ऋषिकेश में 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का आयोजन, चुनाव प्रबंधन और समिति की ली गई बैठक। रुड़की में 28वें वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन, 48 करोड़ लोगों को लगा चुकी है वैक्सीन। रुड़की में प्रदेश अध्यक्ष का मनाया गया जन्म दिवस, मौके पर पहुंचे कई बड़े कार्यकर्ता। उत्तराखंड में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का होगा आयोजन, 2 स्थलों अल्मोड़ा व देहरादून को किया गया चयनित। उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी में भूस्खलन का खौफनाक मंजर, वाहनों के आवागमन पर लगाई गई रोक। चमोली में बंदरों के आतंक से लोगों में खौफ, खेतों पर जाने से भी डरते हैं किसान।
हरिद्वार में चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकान से चोरी किया गया सामान भी बरामद। हरिद्वार में नशे के कारोबार पर कसेगा शिकंजा। युवाओं के भविष्य को बचाने की हुई तैयारी। टीएम में ड्रग माफियाओं को दी चेतावनी। रानीपुर में जमीन बेचने के नाम पर युवक से धोखाधड़ी। 11 लाख रुपए ठगने का युवक ने लगाया आरोप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिका में पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग। एक की हुई मौत। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान में शांति से पाकिस्तान को होगा सबसे अधिक लाभ। आईएसआईएस में शामिल हुआ रानी को मारने की कसम खाने वाला ब्रिटेन का हमलावर। जो बाइडेन बोले भारत और अन्य देशों को वैक्सीन उत्पादन में मदद कर रहा है अमेरिका। रेस्तरा जिम में एंट्री के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने वाला अमेरिका का पहला शहर बनाई न्यूयॉर्क। बम धमाके से दिल्ली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कार्यवाहक रक्षा मंत्री के घर के पास कार में हुआ ब्लास्ट। भारत ने यूएन में दिया दुनिया को संदेश। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीरी राग। अमेरिका में पेंटागन के बाहर पुलिस अफसर की चाकू घोप कर हत्या। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी ढेर। ब्रिटिश नौसेना ने जताई यूएई तट के पास जहाज के हाईजैक होने की आशंका। कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान। प्रधानमंत्री का आवास किराए पर देने का ऐलान। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान। लगाए बेबुनियाद आरोप। अफगानिस्तान के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र चिंतित। कहा शहरी इलाकों में तत्काल समाप्त होगी लड़ाई। भारत मॉरिशस के अलगोवा द्वीप पर समुद्री गश्ती मिशन के लिए नौसैनिक अड्डे पर कर रहा है निर्माण। नेपाल में काठमांडू ललितपुर और भक्तपुर में कोरोना लॉकडाउन 11 अगस्त तक बढ़ाया गया। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने कहा देश पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने को उठाएंगे कदम। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक जारी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेशी मंत्री से की बात। जर्मनी में करीब 5 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिफाइड हाईवे बनकर तैयार हुआ। चार्जिंग स्टॉप की जरूरत होगी खत्म। सऊदी अरब हुआ सख्त। कोरोना नियम तोड़ने वालों को भरना होगा 1 करोड़ का जुर्माना।
चीन में डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला दर्ज, एहतियात वुहान के सभी नागरिकों को होगी जांच। जापान में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कोविड 19 संक्रमण, मेडिकल एसोसिएशन ने घोषित किया आपातकाल। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की बढ़ाई डेडलाइन, टैक्स पेयर्स फॉर्म 15 सीसी को 31 अगस्त तक कर सकते हैं दाखिल। आईसीसी लॉम्बार्ड ने दी राहत, अब टेलीग्राम पर मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम। महामारी को कम करने के लिए आईएमएफ ने बढ़ाया फंड, 650 अरब डॉलर का किया इजाफा। जीएसटी अफसरों ने जून 2021 तिमाही में पकड़ी 7421 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, की 1920 करोड़ की वसूली। टेस्ला को झटका, मोदी सरकार ने ई वाहनों पर आयात शुल्क में कटौती से किया साफ इनकार। शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर सिंह टूर फाइनल की दौड़ से हुए बाहर, एशियाई और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक टूर टोक्यो ओलंपिक में नहीं दोहरा सकेंगे अपना प्रदर्शन। पीवी सिंधु महानतम ओलंपियन में से एक, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बांधे तारीफों के पुल। ओलंपिक में भाग ले रहे झारखंड के खिलाड़ियों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से दी मात, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। भारत इंग्लैंड सीरीज के दौरान कई दिग्गजों को मिली अंग्रेजी कमेंट्री की जिम्मेदारी, 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी रहेंगे शामिल। अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज, 300 महिलाओं और जवानों के त्याग की है कहानी। अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा और लारा दत्ता स्टारर बेल बॉटम का ट्रेलर हुआ रिलीज, 1984 के प्लेन हाईजैक की असल घटना पर आधारित है ये फिल्म। अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग खत्म की, फिल्म के सेट से फोटो शेयर कर दी जानकारी। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद बेटे वियान ने किया पहला पोस्ट, मां शिल्पा शेट्टी के साथ अलग अंदाज में आई नजर। रैपर और सिंगर यो हनी सिंह यानी हितेश सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का मामला कराया दर्ज। प्राइम शतक में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।